हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सपना दुबे आज आपको एकदम टेम्पटिंग से और बहुत ही इजी, बहुत ही टेस्टी सा पकौड़ा बताने जा रही हूँ, वो भी व्रत में खाने वाला। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एकदम टेम्पटिंग सी और बहुत ही इजी रेसिपी। अब मैं आपको व्रत में खाने वाली पकौड़े बताऊंगी। ये है बकला की दाल। बकला की दाल ये दाल हमें मोस्ट ऑफ ये नॉर्थ इंडिया में मिलती है, हमारी यूपी साइड में। तो इसी दाल का मैं आज आपको एकदम टेम्पटिंग सा पकौड़ा बनाकर बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक कप दाल लिया था, उसे मैंने 5 से 6 घंटे तक भिगो कर रखा था। ये अच्छे से भिग चुकी है, देखिए प्रेस करके बता रही हूँ मैं, देखिए भिग चुकी है। तो अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालूंगी और इसका जैसे हम नॉर्मल दाल पीस कर पकौड़े बनाते हैं उसी तरीके से हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। ये सारे चीज मैं मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसे इसका दरदरा सा पेस्ट तैयार करूंगी। तो मैं आपको पेस्ट तैयार करने के बाद बताती हूँ आगे का प्रोसेस। देखिए मैंने दरदरा सा पीस लिया है। अब मैं डालूंगी इसमें स्वाद अनुसार नमक, ये सेंधा नमक है। अगर आप नमक नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपको फ्राइड नहीं खाना है तो आप इसका ऐसे छोटा छोटा सा लोई जैसा बनाकर आप इसे भाप में भी पका सकते हैं जाली के ऊपर रख के। चलो अब मैं डालूंगी इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे बहुत ही अमेजिंग लगता है तय पकौड़ा। और अब मैं डालूंगी थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर। सारी चीज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ये आपका बैटर गीला हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा भी ऐड कर सकते हैं। देखिए मेरा बैटर एकदम सही है, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है पकौड़ा बनने जैसे, बहुत ही अमेजिंग लगता है। आप इसी तरीके से बनाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप इस बकला की दाल पकौड़ी जरूर बनाइएगा इस व्रत में और खाइएगा, एकदम लाजवाब लगता है खाने में। देखिए मैंने सारी चीज अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। देखिए मैंने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। तेल हमारा गरम हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी छोटा छोटा ऐसे पकौड़ी। तेल को ज्यादा गरम नहीं करेगा, तो मीडियम हॉट होना चाहिए, नहीं तो ये ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से सिकेंगे नहीं, कच्चे रह जाएंगे। तो हमें इसे अच्छे से करारा सेकना है। जितना हमारी कढ़ाई में एक बार में आया हमें उतना डालना है पकौड़ी को। और आप इसे ग्रीन चटनी के साथ या टमाटर की चटनी के साथ सर्व करिएगा, बहुत यम्मी, बहुत ही टेम्पटिंग लगता है खाने में। अगर आपको हाथ से नहीं जम रहा है तो आप स्पून की सहायता से भी डाल सकते हैं इसे। मैं आपको एकदम यूनिक और एकदम टेम्पटिंग सा रेसिपी बता रही हूँ, तो आप इसी तरीके से बनाइएगा। गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर दिया है मैंने, देखिए कितना फुला फुला बनकर तैयार है हमारा पकौड़ा। अब हम इसे ऐसे पलट पलट कर चारों तरफ से सेक लेंगे और एकदम करारा सा कर लेंगे इसे। खाने में बहुत ही अमेजिंग लगता है, जरूर आप ट्राई करिएगा इस नवरात्रि के व्रत में, या आप नॉर्मल कोई व्रत करते हैं उसमें भी आप खा सकते हैं इसे बनाकर। व्रत में हमें हमेशा कुछ ना कुछ टेम्पटिंग सा खाने का मन करता है, एकदम चटपटा सा, इसीलिए मैं आपको अलग अलग रेसिपी बता रही हूँ। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। देखिए अच्छे से करारे से सिक गए हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। देखिए कितना कुरकुरा सा, कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है ये पकौड़े। व्रत में खाने वाली पकौड़ी बनकर तैयार है। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगता है। या तो आप दही की चटनी के साथ भी इसे सर्व करिए, बहुत ही टेम्पटिंग लगता है खाने में। अब मैं इसी तरह दूसरा बैच भी तलकर तैयार करूंगी। देखिए सेकेंड बैच भी अच्छे से सिक गए हैं, थोड़ा सा मलट पलट के और थोड़ा सा क्रिस्प कर लेंगे।
अगर आपको फ्राइड नहीं बनाना है तो आप ऐसे टोप में पानी रखिए, उसको बॉईल करिए, उसके ऊपर एक चलनी, जैसे चलनी होती है ना जाली, उसे रखिए और उसके ऊपर ऐसा छोटा छोटा हमें बड़ी को रख देना है बनाकर, वो अपने आप भाप से पककर वो भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप उस तरीके से भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं इसे भी निकाल लूंगी प्लेट में। देखिए मैंने इस पकौड़े को ये ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया। इस चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, व्रत वाली चटनी है, तो आप इसी तरीके से बनाइएगा और खाइएगा। इस नवरात्रि में आप बहुत इंजॉय करिएगा, बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही डिलीशियस लगता है ये पकौड़ा।